सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे रविवार हॉलीडे आपके पास माघ शुक्ल षष्ठी के सुबह सुबह प्रातः मीठी मीठी बात करें आपसे। आज है दूसरा दिन दश लक्षण का और आज है हमारे 13वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक भी। पर इस दिन हम आपसे बात करते हैं सुबह सुबह एक अच्छी बात। सोचते हैं आप बहुत क्षमावान हैं, धैर्यवान हैं, विनयवान हैं, कर्मठ हैं, सौहार्द का बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, किसी पे क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन तब भी क्या ये गारंटी है कि आप अगला भवन मनुष्य पाएंगे, देवता बनेंगे या फिर पशु गति पाएंगे या नरकीय में जाएंगे? ऐसा होता है, जानते हैं आप। पारस प्रभु के 10 भव पहले ज़्यादा बड़ी क्षमा उस भाई ने की थी जब मरुभूति के रूप में थे और उनका भाई था कमट, जो 10 भव तक हम कमट 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 ही कहते रहते हैं। तब क्या था, मरुभूति की पत्नी से कुकृत्य करता है भाई, राजा को पता चलता है, वह कमट को देश निकाला दे देता है, बाहर निकाल देता है। लेकिन वहां पर मरुभूति का जो होता है वह तब भी अपने भाई के साथ उनके मोह के प्रति कहता है कि अरे भाई ने कुछ भी किया हो पर मैं तो उनसे मिलने ही जाऊंगा। वह जाता है उसे मिलने के लिए और कमट क्या जवाब में देता है, जब भाई आता है हाथ जोड़ता हुआ, कैसे हो भाई, तो जवाब में वो बड़ी पत्थर शिला उठाता है और सीधा सर पर मार देता है उसके, जो उसके चरणों में पड़ा होता है। ऐसे मृत्यु देता है वह उसके पास जो क्षमावान होता है, राजा का मंत्री होता है, हमेशा धैर्य रखता है, प्रेम से बातें करता है। जानते हैं उसको फिर भव में क्या जीव मिलता है, वह कोई देवता नहीं बन पाता, वह कोई मनुष्य नहीं बनता, वह बनता है हाथी अगले भव के अंदर। ऐसा क्या कारण है कि हम भी ऐसे ना बन जाएं, कभी हमने इस पर चिंतन किया है? राजा श्रेणिक हमारे भगवान महावीर स्वामी का मुख्य श्रोता, सबसे आगे बैठकर 60,000 प्रश्न पूछने वाला केवल आत्मा के चिंतन के ऊपर, ऐसा श्रोता आगे अगले भव में क्या बन रहा है, प्रथम नरक में जाकर बैठा हुआ है इस समय। वैसे अगला तीर्थंकर बनेंगे, आखिर ये कारण क्या है, ये खेल क्या है, इतनी अच्छी बातें करने वाले के बाद भी क्या गारंटी है पशु गति नहीं मिले नरक, ये बता रहे हैं हमारे मुनि श्री प्रणब मैसागर जी। जानते हैं उनसे कि हमें इसके साथ किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्या गति मिलेगी और क्यों मिलेगी। जो मरुभूति का जीव था वह एक अति सघन सल्लकी नाम का विशाल वन है, उस वन में वह एक हाथी के रूप में उत्पन्न होता है। सुन रहे हो, आप विचार करें, इतना सज्जन होते हुए भी और इतना क्षमा भाव रखते हुए भी वह एक मनुष्य से हाथी की पर्याय में उत्पन्न हुआ, है ना। ये इसलिए समझने योग्य है कि जीव के परिणाम उसको कहाँ ले जाते हैं और जीव के उन भावों से कैसी आयु का बंध हो जाता है, ये समझने योग्य है। क्षमा, मृदुता, ये सब चीज़ें बाद की हैं, पहले सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर का आर्त ध्यान। आर्त ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बंधु के वियोग से उत्पन्न होने वाला ध्यान है। जो हमारे इष्ट हैं, बंधु हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, जब उनका मरण हो जाता है तो दुखी होना हम लोगों के लिए सहज होता है, लेकिन उस दुख में मर जाना ये बहुत बड़ा अज्ञान होता है और ये बहुत बड़ी भूल होती है। किसी के भी दुख में जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो समझना ये जैन दर्शन में ही ये चीज़ मिलेगी आपको। जन्म जन्मांतरों की परिणतियाँ ये काल्पनिक नहीं है, ये जीव अपने परिणामों से ऐसे आयु का बंद करता है, ऐसी गतियों में जाता है जहाँ पर उसके जो परिणाम हैं वो तो काम में आते ही हैं, लेकिन आयु और गति का बंद जब हो जाता है तो वो अलग ही परिणामों से होता है। मरुभूति अपने हिसाब से बहुत सदाचारी है, सज्जन है, सब कुछ है, उसे मनुष्य छोड़ करके त्रियंच पर्याय क्यों मिल गई, एक विचारणीय बात है। वो मनुष्य से हाथी क्यों बन गया, कहाँ राजा का मंत्री रहा, कहाँ इतना विश्वास पात्र नीति न्याय के साथ जीवन चलाने वाला, और वह मर कर के एक हाथी बन गया। मरण कैसे भी हुआ हो हाथी क्यों बना, क्षमा भाव धारण किया उसने भाई के प्रति भी, उसके भी पैर पकड़ लिए और उसने उसके ऊपर पत्थर गिरा दिया, लेकिन वह जैसे भी तड़फ तड़फ के मरा हो लेकिन उसके लिए
यह पर्याय क्यों मिली, हाथी क्यों बना? सुन रहे हो, विचार करो। तो इसका एक समाधान यही है, शास्त्रों में सिद्धांत है, ये सिद्धांत सबके साथ लागू होते हैं। दुनिया का कोई भी प्राणी हो, सिद्धांत सबके साथ वही लागू होंगे, कोई माने या ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है। ये बात अलग है कि जैन लोग जैन सिद्धांतों को सुन सकते हैं, बाकी कोई भी इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जन्म जन्मांतरों को ग्रहण करता है, इसमें किसी के साथ कोई भी अन्याय तो होता ही नहीं। आर्त ध्यान का मतलब है, अगर आपके लिए कोई भी घर का बंधु आपसे बिछुड़ गया, आपके अनुकूल नहीं है, या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ऐसी स्थिति में उसी का ध्यान धरते धरते आपका मरण हो जाता है, तो वो आर्त ध्यान के साथ मरण होता है। और सिद्धांत वचन कहते हैं कि आर्त ध्यान से मरा हुआ जीव त्रियंश गति को बंद कर लेता है। सुन रहे हो? हाँ, बहुत समझ के रहना। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, घर परिवार बड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन उस घर परिवार में अपने को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। आर्त ध्यान से मरा हुआ जीव त्रियंश बनता है, ये आप यहाँ देख लो, ये सिद्धांत है। इसलिए जो भी हमारे सामने वियोग हो अपने घर में, अपने परिवार जनों में, थोड़े दिन के लिए बस रोग शोक जो कुछ भी वियोग का दुख है वो रहे, ऐसा ना रहे कि अब उसी का रोना ही जिंदगी भर रोते रहें और उसी के पीछे जो है उसी के ध्यान में मरते रहें, ये बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, नहीं तो आपका अगला जन्म खराब हो जाएगा। कुछ भी बन सकते हो, ये तो फिर भी हाथी बना, हाथी तो फिर भी शाकाहारी होता है। अब वो शाकाहारी इसीलिए बना कि वो पिछले जन्म में शाकाहारी था, सज्जन था, समझ आ रहा है? तो अगर व्यक्ति अपने अंदर इस तरह के गुण धारण करता है तो वो गुण तो बाद की बात है, पहले ये देखो कि मेरे परिणाम कौन से ध्यान में चल रहे हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान इसलिए पढ़ाए जाए।